सो फाइनली गाइस अभी सिकंदराबाद से जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो गुंटूर जाएंगे हम, कैसा रहता क्या रहता, अभी ट्रेन को लेट हो रहा है, सब डिटेल्स दूंगा आपको बाद में। अभी टाइम हो रहा है 7:45 सुबह के। फाइनली गाइस अभी ट्रेन आ चुकी है हमारी, देख सकते हैं आप। सो ये ट्रेन में गुंटूर मैं विजयवाड़ा जंक्शन तक जा रहा हूँ, सो उसके बाद वहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन है मेरी। फाइनली गाइस तो ये फर्स्ट वीडियो है जो कि गुवाहाटी टू शिलोंग कवर करा मैं हैदराबाद से, तो आप सेकेंड वीडियो में ये देखना है कि शिलोंग टू चेरापुंजी पूरा कवर करा मैं टोटली। तो यहाँ से देख सकते हैं आप बेहतरीन रास्ते के नज़ारे। अभी ये सुबह सुबह सफ़र स्टार्ट हुआ हमारा, तो देखो आगे, रात भर सोया नहीं था गाइस क्योंकि एक्साइटेड था बहुत, जर्नी करना है बल्कि मेघालय। तो ये वीडियो पूरी देखो आपको समझ आएंगी, बेहतरीन कुछ इस तरह नज़ारे मिलेंगे आपके। अभी गुंटूर जाते वक्त फिर मैं यहाँ से गुंटूर आ गया विजयवाड़ा, फाइनली विजयवाड़ा पहुँच गया गाइस में। सो फाइनली गाइस सिकंदराबाद से विजयवाड़ा जंक्शन रीच हो चुका हूँ मैं। सो अब यहाँ से मेरी ट्रेन है 4:00, अभी 2:00 रहे हैं, 4:00 ट्रेन है मेरी यहाँ से डायरेक्ट गुवाहाटी। सो ये 38 घंटे की जर्नी रहेंगी, यानी कि 40 घंटे की समझो आप। सो वो भी दिखाऊंगा कैसा रहता क्या रहता एक्सपीरियंस। चलो अभी लंच हो रहा है मेरा, देख सकते हैं आप, मैं वाइट राइस ले लिया। गिटार चल रहा है यहाँ पर और कुछ इस तरह माहौल है ट्रेन का, देख सकते हैं आप लोग। ये भैया आपका एसी में बैठने का लंच अलग है, मेरा ये वाला है, ये वाला मेरा है, ये हाँ देख रहे तुम बेबी पिंक। अभी तो थोड़ा अंधेरा है भाई यार, देख सकते हैं आप ये बिरयानी है। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं आप अभी हम वेस्ट बंगाल में एंट्री ले चुके हैं। अभी मैसेज आ गया मुझे, टोटली ग्रीन देख सकते हैं आप, ट्रेन का आलम कुछ इस तरह है, भाई साहब सो रहे हैं। देखो आप लोग भी आए तो एसी बुक करो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। देखो यहाँ देख लेते हैं जा सकते नज़ारे वज़ारे। इस बोलने का मतलब ये है कि पूरा इंजॉय करते हुए जा सकते हैं आप ट्रेन में, और मैं रिकमेंड करता हूँ एसी बुक कराइए आप, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप फ्लाइट से गए तो बहुत अच्छी बात है, फ्लाइट से भी गए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो फाइनली अभी गुवाहाटी आने वाला है थोड़ी देर में, कुछ 1-1.5 घंटे का रास्ता है, देखेंगे कैसा है क्या है, बताऊँगा आपको। फाइनली गाइस अभी पहुंच गए हम गुवाहाटी स्टेशन पे हैं, देखेंगे गुवाहाटी स्टेशन कैसा है, बताता हूं आपको। तो ये रहा गुवाहाटी स्टेशन देख सकते हैं आप, और यहां पर आए तो बिल्कुल बेफिक्र अलर्ट रहना जरा, क्यों बोले तो चोर लोग बहुत हैं यहाँ, बाहर निकलते ही भी चोर बहुत है, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, बिल्कुल जरा अलर्ट रहना गाइस आप लोग। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, आप लोगों के साथ भी कुछ भी नहीं होना, बस मैं ये चाह रहा हूँ। तो यहाँ से बाहर निकलते कि आपको टैक्सी मिलेंगी सीधा यहाँ से, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखे हुआ रहता टैक्सी के ऊपर, वो लोग ले गया कि सीधा शिलोंग छोड़ देंगे। और ये स्टेशन के बाहर निकलते कि अपने को राइट साइड बाहर निकलना है, राइट साइड बाहर निकलते कि स्टेशन से बाहर निकलते कि आपको फाइनली यहां पर टैक्सीज मिल जाएंगी, ऐसे टैक्सीज रहेंगे गाइस, ये ले लेना है। तो ये टैक्सी भी जाती बस भी जाती, मैं तो टैक्सी में जा रहा हूं, तो शिलोंग जाना है हमें यहां से सीधा शिलोंग, हम आज यहां से बैठ गए टैक्सी में बैठ के निकल पड़े सीधा शिलोंग। तो ये रहा आसाम का ब्रिज, आसाम सिटी देख लेते हुए शिलोंग हम इंटर हो रहे शिलोंग की रोड पे। अभी देख सकते हैं आप बेहतरीन नज़ारे हैं, मंजिल से ज़्यादा नज़ारों का जो रास्ता जाते वक्त रहता ना गाइस, बहुत मस्त है गाइस, रियली बहुत जो रोड है
अभी टूल गेट आई, टूल गेट ये एक ही टूल गेट लगेंगी शिलोंग के लिए। उसके बाद ढाबे पे रुके हम लोग कुछ खाने के लिए, तो कुछ इस तरह दुकाना वगैरह थे ढाबे पे, वो भी शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो चाय वगैरह पिया मैं, वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो ये हाईवे ढाबा बोल के देख सकते हैं आप, बेहतरीन खाना वगैरह है यहाँ पर। फिर यहाँ से निकल पड़े हम सीधा, रास्ते के मज़े ले लेते हुए देख लेते हुए। बेहतरीन रोड तो बेफहरी है भाई, रोड का मंजर ही चला गया। ये रोड का बेहतरीन पूरी कर्व रोड है पूरी। अब अभी हाइट पे जा रहे हैं, पूरा ऊपर जा रहे हैं सीधा। गाइस गुवाहाटी 120 किलोमीटर्स आई थिंक गुवाहाटी से शिलोंग है, एक्चुअली एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मैं मैप में चेक करा खुद एग्जैक्टली 120 बताया था मुझे। तो देखेंगे अभी रास्ते, देखो आप कितने बेहतरीन है, कुछ अलग ही दुनिया कहीं अलग आ चुके हैं। पूरे पहाड़ों में है दुनिया, ये मेघालय की पहाड़ों की दुनिया है पूरी। देख सकते गाइस आप, रोड पे जाम लग गया था, फुल ट्रैफिक। तो मैं बोला ये भी शूट करके बतला देंगे, इतनी लंबी लाइन यहाँ से इतनी लंबी लाइन। तो गाइस ये एक्चुअली क्या है, कुछ ब्रिज का काम चल रहा था कहते आगे, हमको तो पता नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम एंट्री लिए थे यहाँ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है इसका, देखेंगे। देखो सिंगल रोड गाइस, सिंगल रोड, टोटली सिंगल रोड पे आ चुके हैं हम। फाइनली शिलोंग पहुँच गए। शिलोंग का कुछ इस तरह नज़ारा है। होटल्स वगैरह आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे, खाना वगैरह भी चीप एंड बेस्ट अच्छा है। देख सकते आप, वेलकम टू शिलोंग। अभी शिलोंग के थोड़ा ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर जाके दिखाएंगे आप क्या है क्या नहीं। तो सीधा सीधा अभी शिलोंग में तो एंट्री ले लिए हैं हम। तो देख सकते हैं आप नज़ारे कैसे दिख रहे, वेदर चेंज हो गया, पूरा ठंडा मौसम हो गया एकदम। वो भाई साहब मेरे को देख रहे हैं पीछे पलट पलट कर, बेहतरीन नज़ारे, पूरा ठंडा मौसम हो गया। नीचे तो गर्मी बहुत थी गाइस, ऊपर आते कि बहुत ठंडा हो गया। तो हम आए पहले ये होटल में वेज की, ये देख सकते हैं आप मेन्यू, पॉज करके देख ले सकते हैं। यहाँ पर भी चीप एंड बेस्ट खाना ज़बरदस्त था गाइस, बहुत अच्छा लगा यहाँ भी खाना। तो उतरे हम, खाना वगैरह खा लिए कर लिए। फिर थोड़ा बाज़ार देखना था मुझे, शिलोंग का बाज़ार कैसा है क्या है शिलोंग के बाज़ार में यहाँ पर। तो शिलोंग का बाज़ार देखेंगे अब, बाज़ार में एंट्री कराऊँगा आपको। देखो आप एक एक चीज़, शिलोंग सिटी मेन सिटी है ये, यहाँ से आपको हर जगह की गाड़ियाँ मिल जाएंगे। यहाँ से पूरा मेघालय कवर कर सकते हैं आप, यानी कि यहाँ से हर जगह की टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे आपको, बाइक रेंट वगैरह यहीं पर ही मिलेगा सब। तो देखेंगे, देख सकते हैं आप ये बाज़ार है शिलोंग का, शॉपिंग मार्केट है, माल रोड भी बोल सकते हैं आप इसको, जैसा कि मनाली में है, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि वीडियो आप पूरी देखना, एक एक चीज़ पूरा शिलोंग कवर करा सो हूँ मैं इसमें, एक एक बारीकी से चीज़ कवर करा सो हूँ। बोलने का मतलब क्या है, शिलोंग में मेन पॉइंट्स कवर करा सो हूँ मैं, जो जो भी है, यानी कि बाज़ार में क्या क्या मिल सकता है आपको, क्या क्या चीज़ा चाहिए आपको, क्या क्या चीज़ा आप किसी फैमिली के साथ है या कपल है या आपके दोस्त लोग है तो क्या ले सकते हैं आप। यहाँ पर सिनेमा भी है, बाजुक थिएटर भी है। बट वेदर बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था, तो वीडियो शूट करते हुए हम निकल गए थे। तो ये वीडियो में मेन मकसद क्या है गाइस, मेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का ये है कि वीडियो आप पूरी देखो, अच्छा समझ में आता। शॉर्ट टर्म में वीडियो बनाया सो आप ख़ुद भी अगर ट्रैवल करें तो सुकून से आराम से ट्रैवल कर सकते, नो प्रॉब्लम, सेफ जगह है मेघालय, बहुत अच्छी। तो देख सकते गाइस स्ट्रीट फूड ऐसा है यहाँ पर, जैसा कि फास्ट फूड, रोटी, ऑमलेट वगैरह यहाँ पर मिल जाता आपको, पूरा स्ट्रीट फूड है ये। अगर ये भी खाना चाह रहे, ट्राई करना चाह रहे तो कर सकते हैं आप, फ्रेश जब का जब ही आपके सामने ही बना के देते। तो मैं तो ट्राई करा था, अच्छा लगा, ऑमलेट ट्राई करा था बस। अभी तो ये शिलोंग पूरा सिटी है, शिलोंग मार्केट है, यहाँ से शॉपिंग वगैरह बच्चों के लिए, थोड़े एंटिक चीज़ भी है गाइस यहाँ पर, दो चार एंटिक चीज़ है जैसा कि सूटर्स वगैरह हो गए छोटे बच्चों के, बहुत अच्छा लगा गाइस मुझे आप भी यहाँ पर वॉक करना। और मौसम तो बेहतरीन है, एकदम ठंडा मौसम है। और देख सकते हैं आप पूरा रूट नीचे जा रही है, ये भी अच्छा लगा। और ये मैरोट यार्ड होटल है, यहाँ विवेंता भाई ताज होटल है पीछे मेरे। और देख सकते हैं आप ये शिलोंग की गलियाँ, तो कुछ इस तरह। अब ये 6 सेकंड को चले गए गाइस हम सीधा सीधा एलिफेंट फॉल।
मैं पहुंच गया एलिफेंट फॉल। मेरा दोस्त आया था, ये बाइक पार्क कर रहा है अभी। मैं चले गया अंदर, मेरे को क्यों बोले तो वीडियो शूट करना है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट टाइम आया था गाइज मैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप एलिफेंट फॉल में 3 फॉल्स है गाइज, ये मैं तो समझा एक ही फॉल है। तो देखेंगे फर्स्ट फॉल ये है, देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है। फर्स्ट फॉल वहाँ पर बोर्ड भी दिख जाएंगे आपको। फर्स्ट फॉल ब्यूटी नेचर, वाहो ब्यूटीफुल नेचर, तो ऐसा कुछ बोर्ड है गाइस। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉल बोल के देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसा है, बेहतरीन पब्लिक इंजॉय कर रही है। ये सेकंड फॉल है गाइस, सेकंड फॉल देख रहे हैं आप लोग। फर्स्ट फॉल सेकंड फॉल हो गया, ये वाला थर्ड वाला थर्ड फॉल है, यानी कि सब में बड़ा फॉल है ये। पूरा पानी दोनों का तीनों का यहीं पर ही गिर रहा है पूरा, देख सकते हैं आप। ये थर्ड फॉल है, यहाँ पर लोग फोटोज ले रहे, वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं, आप भी ले सकते हैं वीडियोस क्लिक वगैरह। ये अच्छा लगा एलिफेंट फॉल मुझे, तो मैं भी ऐसा सेल्फी में वीडियो बना लिया, क्यों बोले तो व्लॉग के लिए, यूट्यूब के लिए, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ से निकल के गाइस हम सीधा शिलोंग पिक पहुँच गए, क्योंकि ये आर्मी एरिया के अंदर आता गाइस, तो वीडियो शूट करना वहाँ पर अलाउ नहीं है, इसलिए नहीं कर सका मैं। रोड तो बेहतरीन दिखेंगी, और यहाँ का प्राइस है 100 रुपीज़, बट इतना ख़ास नहीं है कुछ भी गाइस। पूरा फॉग आया हुआ था, कुछ नहीं दिख रहा था, तो बड़ी मुश्किल से इतना जूम करके ले रहा था। पूरा फॉग है यहाँ का, मौसम कभी कुछ है गाइस, हर 5 मिनट में मौसम यहाँ का बदल जाता गाइस। मालूम है 5 मिनट में धूप रहेगी, 5 मिनट में सर्दी रहेगी, 5 मिनट में गर्मी रहेगी, 5 मिनट में बारिश हो जाएगी, तो ऐसा पूरा शिलोंग सिटी दिख रहा है यहाँ से। ये देखने का मंजर एक ही है, तब धूप रहेंगी, पूरा फॉग हट जाएगा, जब देखे तो अच्छा लगेगा। तो माइक्रोस्कोप भी है यहाँ पर ऊपर, वहाँ भी देख सकते हैं आप। अभी तो ये नॉर्मली मैं ऐसा बतला रहा हूँ, पूरा जूम करके 2x करके बतला रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप। तो शिलोंग देख सकते हैं आप, ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी मुझे हाइट पे, यहाँ पर वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह शूट कर सकते हैं आप, बेहतरीन। ये अच्छा लगा गाइस मुझे, पूरा ग्रीनरी एक विलेज टाइप का हाइट पे, लाइक कश्मीर के जैसा।